मुजफ्फरपुर जिले में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार बार अभियान चलाया गया। शुक्रवार को अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। मौके पर मुसहरी के राजस्व पदाधिकारी और NHAI के अधिकारी मौजूद रहे। शहर के चांदनी चौक से लेकर भगवानपुर तक अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान NH किनारे लगे वाहनों को हटाया गया। वाहन के ओनर को कड़ी फटकार लगाई गई। दोबारा ऐसा करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इसके बाद बुलडोजर से सड़क किनारे लगे दुकान, बोर्ड, फ्लैक्स और झोपड़ी को उखाड़ फेंका गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से हर कंप मच गया। वही कार्रवाई के दौरान दुकानदार अपने अपने सामानों की सुरक्षा में जुट गए। बुलडोजर देखते ही मिठाई के काउंटर गुमटी हटाने लगे। वही पूरे मामले पर मुसहरी के राजस्व कर्मचारी ने कहा कि 3 दिन पहले ही अतिक्रमणकारियों को पर्चा थमा दिया गया था। इस कार्रवाई से भी सभी अवगत थे। आज से एक प्रशासनिक गाड़ी आगे आगे चल रही थी, जिसमें अनाउंस किया जा रहा था जिन लोगों ने सामान नहीं हटाया उसे बुलडोजर से हटा दिया गया। राजस्व पदाधिकारियों ने कहा कि ये अभियान आज से शुरू किया गया है, जो कच्ची पक्की तक सड़कों को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद ही थमेगी। अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्या इसकी पूर्व सूचना दी गई थी? हाँ, पूर्व सूचना इनको दी गई है, 3 दिन से इनको नोटिस भी दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम कहाँ से कहाँ तक चलेगा? ये कार्यक्रम आपको चांदनी चौक से कच्ची पक्की तक है। चांदनी चौक से कच्ची पक्की तक। तो यहाँ पे सड़क किनारे जो भी लोग पुराने दुकानदार हैं, जो फल वाले हैं, इन सभी को हटाया जाएगा? बाहर की जो यहाँ पे पार्किंग करके छोड़ देते हैं उनको भी क्लियर कराएंगे। तो यह बुलडोजर की कार्रवाई कितने दिनों तक चलेगी? अभी ये चांदनी चौक से रामदयालु तक जाना है या फिर उससे भी आगे का कार्यक्रम है? चांदनी चौक से अभी करके यहाँ तक आया गया है वन साइड, अभी फिर रिटर्न होकर हम लोग यहाँ से वापस चांदनी चौक की तरफ क्लियर करेंगे सारा, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे चांदनी चौक से। जी, अपना परिचय सर। मेरा नाम कुमार रवि हुआ, आरोप राजस्व अधिकारी। धन्यवाद।